दोस्तों, यह है टाटा कंपनी की नई ईवी कॉन्सेप्ट कार। इसका नाम है टाटा एवेन्या। इस कार का कॉन्सेप्ट किसी लग्जरी कार से कम नहीं। जहां टेस्ला दुनिया में अभी तक ईवी मार्केट को लीड कर रहा है, वहीं दोस्तों भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को टाटा कंपनी लीड कर रही है। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार्स टाटा मोटर्स की है और टाटा इस मुकाम को बरकरार रखना चाहता है। इसलिए दोस्तों टाटा मोटर्स लगातार एक के बाद एक इलेक्ट्रिक कार मार्केट में लॉन्च कर रहा है। टाटा कंपनी के मुताबिक टाटा वोल्ट, टाटा नेक्सोन ईवी, टाटा टाइगर एंड टाटा टियागो जो कि फर्स्ट जनरेशन ईवी है, इसके बाद टाटा कर्व जो कि थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसके बाद टाटा एवेन्या, ये टाटा की ओर से थर्ड जनरेशन ईवी होने वाली है। दोस्तों, हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमारी इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स भारत के ईवी मार्केट में किसी विदेशी कंपनी का कब्जा नहीं होने दे रहा है। दोस्तों, पिछले साल टाटा ने इस थर्ड जनरेशन ईवी के कॉन्सेप्ट कार एवेन्या को लॉन्च किया, जो कि 2025 तक आपको भारत की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। दोस्तों, बात करें इस कार के डिज़ाइन की, तो इसमें फ्रंट में आपको लग्जरी लुक के साथ टाटा का टी लाइट टी सिग्नेचर मिलने वाला है। साइड में आपको बटरफ्लाई टाइप डोर मिलने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस कार के स्पेशल फीचर की, तो इसमें आपको ब्राउन इंटीरियर थीम, पेनोरामिक सनरूफ, फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्टीयरिंग माउंटेड डिस्प्ले, 3 डिग्री मूविंग सीट, इन फ्रंट लाइट, सिग्नेचर एंड DRL आदि कमाल के फीचर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, टाटा की इस थर्ड जनरेशन ईवी कार में आपको 500 किलोमीटर पर चार्ज से अधिक का माइलेज मिलने वाला है। दोस्तों, इस कार को टाटा कंपनी ने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि इंडियन मार्केट के साथ आउट ऑफ कंट्री भी इस कार को सेल किया जाएगा। कंपनी के अनुसार ये इलेक्ट्रिक कार 2025 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से इस कार की कोई भी कीमत बताई नहीं गई है, लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक कार मार्केट में 30 लाख की प्राइस में अवेलेबल हो सकती है। दोस्तों, कंपनी का दावा है कि 2024 तक सेकेंड जनरेशन ईवी कार कर्व को लॉन्च करने के बाद अगला टारगेट एवेन्या को 2025 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च करना है।